पिछले क्लास में हमने क्या क्या सीखा था कि पशुओं के नाम और सब्जियों के नाम, ठीक है। आज इस क्लास में हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे फूलों के नाम और रंग। यहाँ है फूल के नाम, यहाँ है रंग के नाम। तो मैं यहाँ से अभी स्टार्ट करती हूँ। फूल के नाम इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं करके, ठीक है। चलिए जानेंगे रंग फूल। फूलों के नाम जैसे कि गुलाब, गुलाब यानी क्या है, रोज। दूसरा वाला जो है गेंदा फूल। गेंदा मीन्स क्या है, मैरीगोल्ड, एम ए आर आई जी ओ एल डी, मैरीगोल्ड, ठीक है। तीसरा वाला जो है चमेली। चमेली मतलब क्या है, चमेली यानी कि क्या है, जैस्मिन। जे एस एम आई एन ई, जैस्मिन। इसके बाद चौथा वाला जो है सूरजमुखी। सूरजमुखी, सूरजमुखी यानी क्या है, क्या है, सनफ्लावर। यस यू एन एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, सनफ्लावर, ठीक है। पांचवा वाला जो है गुड़हल। गुड़हल, गुड़हल मीन्स क्या है, हिबिस्कस, हिबिस्कस। यू नो एवरीवन, लाल कलर का रहता है, गणपति को चढ़ाते हैं फूल, हिबिस्कस कहते हैं उसको। उसके बाद छठा जो है लिली। लिली यानी कि इंग्लिश में हम उसको कुमुदिनी कहते हैं, कुमुदिनी। कुमुदिनी मीन्स लिली, लिली, ओके। माफ कीजिए, एक ही बार एक ही आ जाता है। उसके बाद सातवां जो अक्षर है, सातवां जो फूल है चंपा। चंपा को क्या है, हम एम ए जी एन ओ एल आई ए, मैग्नोलिया। उसके बाद आठवां जो है वो है नलिनी। नलिनी यानी कि तुली। नौवा जो है वो है गुलबहार। गुलबहार मीन्स डाइसी, डाइसी। दसवा जो है वो है लोटस, कमल, एल ओ टू एस, लोटस। यहाँ देखिए, आपको दिख नहीं रहा है तो फिर से एक बार दोहराती हूँ, ये देखिए, ठीक है। गुलाब यानी रोज, गेंदा यानी मैरीगोल्ड, चमेली यानी जैस्मिन, सूरजमुखी यानी सनफ्लावर, गुड़हल मीन्स हिबिस्कस, लिली मीन्स कुमुदिनी और लिली, ओके। चंपा मीन्स मैग्नोलिया, नलिनी मीन्स तुलिप, गुलबहार मीन्स डाइसी, एंड लास्ट वन इज कमल मीन्स लोटस। ये हो गए फूलों के नाम। अभी है, ये हो गए 10 फूलों के नाम हो गए। अभी बहुत सारे ऐसे फूल्स हैं, नाम उनके पता हमें नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ
और 10 फूलों के नाम आपको लिखना है। कितने? 10 फूलों के नाम आपको लिखकर उसका इंग्लिश में, उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है और हिंदी में क्या कहा जाता है, उसको दोनों भी आपको लिखने हैं। ठीक है, अभी हम चलेंगे रंग बिरंगी कलरों के पास। रंग बिरंगी कलर्स, हिंदी में क्या कहते हैं हम रंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं कलर्स। तो आज हम सीखेंगे कलर्स के बारे में। कलर्स जो है मैं आपको बताते जाऊंगी, उस तरीके से कलर्स आपको पहचानने हैं। जैसे देखिए इधर पहला वाला जो है वो है कलर, पहला कलर आपकी किताब में है पीला, दिस इज अ येलो कलर। ओके, दूसरा जो है ऑरेंज केसरी, ये है केसरी कलर। ठीक है, ये जो है केसरी कलर, ऑरेंज कलर, अपने फ्लैग में ऊपर का जो ऑरेंज कलर है वो कलर है केसरी। ठीक है, ये हो गया केसरी कलर। अभी तीसरा कलर है लाल, लाल यानी कि रेड, रोज इज रेड और पिंक। ओके, रोज रेड कलर का रहता है और पिंक कलर का भी रहता है। ठीक है, ये है लाल कलर। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ये भी रेड कलर का है, तो ये है लाल कलर। उसके बाद आता है ब्राउन, चॉकलेट, चॉकलेट ब्राउन, ये है भूरा रंग। इसे क्या कहते हैं? भूरा रंग, यानी कि ये ब्राउन कलर को हम क्या कहते हैं? भूरा रंग, ये ब्राउन कलर का है। ठीक है, उसके बाद जो है हरा रंग, हरा रंग कौन सा है यहाँ पे मेरे पास? यह है हरा रंग, यह देखिए ये भी है मेरे पास हरा रंग, और ये है हरा रंग कलर। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है नीला रंग, नीला ब्लू कलर, यहाँ है देखिए मेरे पास शोल्डर पे दुपट्टे पे, ये है ब्लू कलर, ये दोनों है ब्लू कलर के, ये है नीला रंग, ये जो कलर है ये नीला रंग। और आगे जो है वो है काला, कौन सा है ये वाला जो है? ब्लैक, ब्लैक को हम क्या कहते हैं? काला रंग कहते हैं। ये वाला जो है ब्लैक कलर है, ये हम काला कलर कहते हैं। ठीक है, कौवा काला रहता है, पता है आपको? दिस दैट कलर इज अ ब्लैक कलर। और दूसरा जो है राखड़ी कलर, यानी कि ग्रे कलर, ये जो है ये ग्रे कलर है, ये दिख रहा है, ये जो है ये ग्रे कलर है, इसे हम राखड़ी कलर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है पिंक, ये है पिंक कलर को हम क्या कहते हैं? गुलाबी कलर, पिंक कलर का गुलाब रहता है और ये है पिंक कलर, ये है पिंक कलर। ठीक है, और आखिरी जो रह गया है वो है सफ़ेद कलर, ये देखिए सफ़ेद, ये है जो है ये सफ़ेद कलर है। ठीक है, ये हो गया अभी कलर्स। अभी हम लिखेंगे यहाँ पे अक्षरों में। ठीक है, अक्षरों में फटाफट लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देती हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौ, दस। ठीक है, यहाँ है पहला वाला जो है वो है लाल, लाल यानी कि क्या है? रेड। ठीक है, और दूसरा वाला जो है काला, काला मीन्स ब्लैक, भूरा रंग, भूरा मीन्स, भूरा मीन्स ब्राउन। ठीक है, भूरा होने के बाद नीला, नीला मीन्स ब्लू, उसके बाद गुलाबी, गुलाबी है वो पिंक, सफेद, सफेद यानी कि वाइट, वाइट। ठीक है, उसके बाद है राखड़ी,
राखड़ी मीन्स गुरे, ठीक है। उसके बाद है केशरी, केशरी है वो है ऑरेंज, ठीक है, फिर वो है ऑरेंज। उसके बाद जो है पीला, पीला जो है वो है येलो, ठीक है, येलो। और आखिरी जो है कौन सा रह गया आखिरी का, सफेद ग्रीन हरा, हरा मीन्स ग्रीन, ठीक है। ये हो गए कलर्स के नाम। यह देखिए यह है लाल कलर, यहाँ पे देखिए ये जो है ये लाल कलर फर्स्ट वन, दूसरा जो है वो है ब्लैक कलर, काला कलर, ब्लैक कलर, ठीक है। और तीसरा जो है कौन सा है, भूरा रंग, भूरा रंग है, यह देखिए ब्राउन कलर, भूरा कलर, ठीक है। उसके बाद ब्लू कलर, यहाँ है ब्लू कलर, ठीक है। उसके बाद जो है गुलाबी, यहाँ देखिए गुलाबी पांचवा नंबर। उसके बाद है सफ़ेद, ये देखिए ये है सफ़ेद कलर। उसके बाद जो है राखड़ी, यानी कि ये है ग्रे कलर, इधर देखिए ये है ग्रे कलर, ठीक है। उसके बाद है केशरी, ये देखिए केशरी जो दिख रहा है यहाँ पे है केशरी, और यहाँ जो दिख रहा है वो पीला वाला यहाँ पे है, ठीक है। आखिरी जो है वो हरा कलर है। ये हो गए रंगों के नाम। अभी आपको क्या करना है, एक एक रंग के एक एक चित्र बनाकर आपको अपने बुक में, यानी कि निकाल स्टिक नहीं करना है, अपने बुक में चित्र निकाल कर एक एक कलर के फूल या एक एक कलर का कुछ भी उस कलर का एक चित्र बना दीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम कुछ नया पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।